क्या लंबे बाल आशीर्वाद है या श्राप? जब एक रेगुलर हेयर ड्रायर काम न आए तो एक लीफ ब्लो ड्रायर को इस्तेमाल करें। आप एक नए ब्यूटी सैलून के पास से चलकर नहीं जा सकते। अगर आप अपने दोस्त के साथ आते हैं तो ये बिल्कुल भी डरावना नहीं है, ये बहुत अच्छा लग रहा है और स्टाइलिश भी फ्रेंडली है। सैली पहली ऐसी लड़की है जो एक्सपेरिमेंट करना चाहती है। मुझे कुछ सुपर मॉडर्न चाहिए प्लीज। स्टाइलिश काम पर है। जादू होने वाला है। आउच, आउच, दर्द होता है। क्या कर रही हो? क्या तुम वाकई एक अच्छी स्टाइलिस्ट हो? आउट, ये एक तरह की सैडिस्टिक है। हे, ये देखो, ये एक तरह की राक्षस है। लेकिन सिर्फ कुर्सी पर बैठ जाती है। मैं कुछ क्लासी चाहती हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। कस्टमर की इच्छा लॉ होता है। किम अप केस पर है। अब तक रिजल्ट बहुत खतरनाक लग रहे हैं, लेकिन सबसे खराब अभी आने बाकी है। हेयर कट तैयार है। मिरर में क्या दिखेगा? ये भयानक है। क्या तुम्हें ये स्टाइलिश लगता है? सैली खुद को देखने के लिए उत्सुक है। हे भगवान, तुमने मेरे साथ क्या कर दिया? दोस्त हैरान है, वो इसके लिए पैसे नहीं भरने वाले। कैसे पैसे? पहले सीख कराओ कि बाल कैसे काटे जाते हैं। उन्हें पता नहीं कि स्टाइलिस्ट के साथ लड़ना सही नहीं है। आखिरकार उसके पास उनके बाल अभी भी हैं। आपको नहीं पता कि वो उसका इस्तेमाल कैसे कर सकती है। अपने दुख पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका है स्वादिष्ट खाना। लड़कियां डिस्कस कर रही हैं कि क्या हुआ था और अब तक किसी ने भी चेंज पर ध्यान नहीं दिया। उनके आसपास के लोगों की तरह तुम क्या कर रही हो? सियू के बाल अपने बॉयफ्रेंड के कंधे पर देखकर अगले टेबल पर जो लड़की है वो खुश नहीं है। रुको, कैसे बाल? ओ नहीं, सुपर लंबे बाल। क्या हमें श्राप मिल गया? बिल्कुल, ये सैलून वाली हेयर स्टाइलिस्ट थी और ऐसा लग रहा है कि ये श्राप दोनों के लिए है, क्योंकि सैली के बाल फ्लोर तक जा रहे हैं। हम इन सब का क्या करने वाले हैं? खैर, शुरुआत के लिए इसे धो लेते हैं। एक खराब हेयर कट का मतलब ये नहीं कि इसकी देखभाल नहीं की जाए, लेकिन इतने बालों को तुम कैसे वॉश करोगी? सैली को नहीं पता कि कहाँ से शुरू करना है, लेकिन सियू मदद के लिए आ गई है। मुझे नहीं लगता सिंक बहुत होगी। बेहतर है कि वो अपने बाल बाथटब में डाल दे। हो गया, ये बहुत आरामदायक है। लंबे बाल इतने भी बुरे नहीं। जब आपके दोस्त आपके बाल धो रही है तब आप इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर सकते हैं। ही, ध्यान से। लेकिन सियू ध्यान नहीं दे रही, उसे एक बड़ी समस्या है। हम इतना शैम्पू कहाँ से लेकर आए? बॉटल खाली है तो अब समय है डिटर्जेंट की बकेट को इस्तेमाल करने का। वाह, लंबे बाल कितने बेकार हैं। फ्यू, आखिरकार। पर अभी नहीं खत्म हुआ। तुम्हें अपने बालों को बांधने के लिए कुछ चाहिए होगा। एक रेगुलर टॉवल सही नहीं होगा, पर बड़ा ब्लैंकेट काम कर जाएगा। ये थोड़ा भारी है, कोशिश करना अपने गर्दन न तोड़ लो। तुम्हें लगता है ये मुश्किल चीज है? बिल्कुल नहीं, अपने बालों को धोना तो आधा काम है, अब उन्हें सुखाना भी है। ओ नहीं, एक रेगुलर हेयर ड्रायर से नहीं होगा। पर वही सियू आती है। एक लीफ ब्लोअर बिल्कुल हेयर ड्रायर की तरह है, सिर्फ ज्यादा पावरफुल, बहुत पावरफुल। सैली दूर हो रही है, लेकिन उसके बाल तेजी से सूख रहे हैं। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, आपके बाल उलझ जाते हैं। बेचारी सैली एक बार में सब नहीं कर सकती। ऐसा दोस्त अच्छा है जो हमेशा मदद के लिए तैयार रहे। अगर हम गार्डन की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें इसे पूरी तरह करना चाहिए। सियू रेक लाई है जो एक बढ़िया सॉल्यूशन की तरह लग रहा है। ऐसा मत करो, हालांकि गंजा होना इतना बुरा आइडिया नहीं, लेकिन सैली को अपने बालों से आसानी से छुटकारा नहीं मिलेगा। अब वो सही लग रही है, बाल बहुत सिल्की है, शायद ये इतने बुरे नहीं। चलो सैली, क्या मुझे तुम्हारे बाल हमेशा धोने होंगे? मैंने इसके लिए हाँ नहीं की थी। लंबे बाल सभी तरह की प्रॉब्लम्स लाते हैं। लंबे बाल सभी तरह की परेशानियाँ लाते हैं। ये बैग के हैंडल में फंस जाते हैं और क्लोजेट के दरवाजे में भी। तुम्हारे लुक में बिना मतलब एक्सेसरी जोड़ देते हैं। सैली का अपने नए बालों के साथ एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है। ओ नहीं, बैग बैग, बस करो। आउच,
लगता है हमें इस बैग के बारे में भूलना होगा। शांत हो जाओ सैनी, तुम कर सकती हो। अगर मैं अपने बालों को अपनी गर्दन के चारों ओर लपेट लूं तो क्या होगा? यहाँ आओ बैकपैक, एक हेयर स्कार्फ, ये गर्म और आरामदायक है। हर निराशा में आशा की उम्मीद होती है। ये बाल होने में क्या अच्छा हो सकता है और ये टेस्ट के दौरान कैसे मदद करेंगे? वैसे तुम इसमें चीट छुपा सकती हो। सैली अपने सर के चारों ओर क्लोज छुपाती है। तुम सभी का इस्तेमाल कर सकती हो, लेकिन पकड़ी मत जाना। आउच! सियू, इसे इस तरह से बाहर मत खींचो। बहुत सारे बाल हैं। तुम सही आंसर कैसे ढूंढोगी? मुझे दो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। इन सभी चीजों पर टीचर का ध्यान चला जाता है। चलो भाई मिस्टर वॉल्टर, साइंटिफिक लिप सीजन का सबसे हॉटेस्ट ट्रेंड है। अच्छी कोशिश सैली। अब अपने पेरेंट्स को बताती रहना कि तुम्हें टेस्ट में एफ क्यों मिला है। एक एफ मिलने के बाद आपकी आत्मा कैसे खुश होगी? शॉपिंग, बेशक ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। बड़ी आउटफिट, सुंदर शूज, मैं ये सब खरीदना चाहती हूँ। स्कीम पूरी तरह से काम करती है। लड़कियाँ अपने बुरे ग्रेड्स के बारे में भूल गयी, लेकिन नई प्रॉब्लम्स आ गयी। कोई हिलना मत, ये एक रॉबरी है। क्या दिन है। बेशक अगर तुम नहीं हिलते और सारे पैसे चोरों को दे देते हो तो वो कस्टमर को हाथ नहीं लगाएगा। बिल्कुल नहीं, शिव के पास एक बढ़िया आइडिया है। ओह, उसे इतनी हिम्मत कहाँ से मिल जाती है? रुक जाओ, वो अपने बालों के साथ क्रिमिनल को पकड़ लेती है और उसकी दोस्त उसकी मदद के लिए आती है। रस्सी और हथकड़ी की बजाय लंबे बाल, वो पूरी तरह से फंस गया है। ये रहे चोरी किए हुए पैसे कैश रजिस्टर वाले, तुम 911 पर कॉल कर सकती हो। वैसे ही हमें चोरों को पकड़ने का डिस्काउंट मिलेगा। बहुत सी लड़कियों को लंबे बाल रखना पसंद है, लेकिन सैली को नहीं। मैंने क्या किया जो मेरे साथ ऐसा हुआ? बाल को 3 घंटे तक ब्रश करना, ओह ये भयानक है। एक बार फिर सियू जरूरत के समय पर अपने दोस्त की मदद करने आती है। रो मत, क्या मैं तुम्हारे बालों की ब्रेड बना दूं? ये बढ़िया आइडिया है। ठीक है, और मैं तुम्हारे लिए ब्रेड बनाती हूँ। वो इसमें इतना खो जाती है कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि वो एक दूसरे की ब्रेड बना रही है। हे भगवान, मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये बाल परेशानी के अलावा कुछ नहीं है। यदि आप लंबे समय तक उदास रहते हैं तो आपको रिंकल्स हो सकते हैं। अपने स्किन को सही रखने के लिए दोस्त पार्टी में जाते हैं। म्यूजिक कमाल का है। सी और सैली डांस फ्लोर पर है। वो अच्छे मूड में है, लेकिन लंबे समय तक नहीं। हे, क्या चल रहा है? ये खतरनाक हो रहा है। लंबे बाल दूसरों को मजा नहीं करने दे रहे। समझ में भी आता है, लेकिन वो घर भी नहीं जाना चाहती। मेरे पास एक आइडिया है, मुझे अपनी पोनीटेल दो। दोस्त ब्रेड्स बनाती हैं। इधर आओ सब लोग। लिम्बो कौन खेलना चाहता है? ये बहुत मजेदार है। कम से कम ये बाल काम तो आ रहे हैं। साथ ही सैली के बॉयफ्रेंड को लंबी ब्रेड पसंद है। गुड नाइट मेरी रैपंज़ेल, लेकिन वो नहीं जानता कि रात में क्या होने वाला है। मुझे बताओ कि खजाना कहाँ छिपा है, मुझे अभी बताओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ब्रैंडन डर के मारे उठता है और महसूस करता है कि वो हिल नहीं सकता। सैली के बालों ने उसे बंदी बना दिया। कोई मदद करो, यहाँ बहुत ही आराम है। हाँ बस आराम करो। सियो का बाथटब क्लॉग्ड हो गया, जैसे कि उसके लंबे बालों की परेशानी कम नहीं थी। वो इसे ठीक करने की कोशिश करती है। रियान इस आइडिया से ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन जब उसे मदद की जरूरत होती है तो वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। वो ड्रेन में से बालों का गुच्छा निकालता है। ईयू, ये घटिया है। ओ हनी, तुम मेरे हीरो हो। लड़कियों को अपने लंबे लंबे बालों की आदत पड़ने लग गई है। क्या तुम विश्वास करोगी, मैंने आज 40 मिनट में अपने बाल सुखा लिए हैं। ओ नहीं, देखो ये टाइलर है। हम अपने स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के को ऐसे खुद को नहीं दिखाना चाहते। सिव अपने लॉकर में छिपने का ट्राई करती है, लेकिन सैली के पास बेहतर आइडिया है। बाल, चश्मा, क्या तुमने देखा? चलो अपने आप को छिपा लेते हैं। चलो हमारे चेहरे को कवर करते हैं ताकि वो हमें पहचान न सके। हो गया।
लेकिन टाइलर ने तुरंत इसका पता लगा लिया। क्या वो एडम फैमिली के कजिन इट है? ओह वाह, मेरे फॉलोअर्स बहुत हंसेंगे। खतरा खत्म, हम अपना रूप बदल सकते हैं। हम बहुत स्मार्ट हैं। लड़कियों को पता नहीं कि इंस्टाग्राम पर उनके लिए सरप्राइज इंतजार कर रहा है। सैली ने सोचा कि इतने लंबे बालों के बाद वो किसी भी चीज से निपटने के लिए तैयार हो जाएगी। वो गलत थी। शार्क टैंक के बिना शार लेना और भी बेकार है। ये अच्छी बात है कि उसके पास उसके बाल हैं। आप इससे पर्दा बना सकते हैं। हो गया, ये बेहतर है। अब वो शादी से शार ले सकती है। लंबे बाल होना इतना थका देने वाला होता है। लड़कियां मदद के लिए हेयर ड्रेसर के पास भागती हैं। हमारे पास इतने ही हैं, इसे लो, बस हमें हमारे बाल वापस दे दो। उन्होंने अपना सबक सीख लिया, यही किम चाहती थी। ठीक है, ये स्टाइलिस्ट से लड़ाई करने का सबक था और उनके पहले वाले की तुलना में ये हेयर कट अच्छे है। ये कभी न कभी बढ़ ही जाएंगे। क्या आपको हमारे सुपर लंबे बालों वाले स्केच पसंद आए? आपको क्या लगता है कि कौन सी बाल की लंबाई अच्छी है, शॉर्ट, मीडियम या लॉन्ग? हमें कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि आप टुम टुम पर दिलचस्प और मजेदार वीडियो मिस न करें।